बच्चों, कैसे आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आपके फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो आपने उसके लिए अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। जो भी मैंने आपको 16th असाइनमेंट से 32 तक करवाऊंगी, वह आपने अच्छे ढंग से करना है। साथ ही साथ एनुअल सिलेबस भी, ठीक है बच्चों? और जितना भी बुक कॉपी के अंदर जो कुछ भी करवाया गया है, अच्छे से पढ़ना है, याद करना है। आज बच्चों, मैं आपको सर्वनाम करवाने जा रही हूँ। क्या करवाने जा रही हूँ? सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पुष्प का पाठ 7 सर्वनाम करवाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम, ठीक है? राधिका विम्मी को अपना परिचय देती हुई बता रही है, मैं राधिका हूँ। मेरा घर बहुत सुंदर है। मुझे चित्र बनाना अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों? इस पर विम्मी राधिका से कहती है, तुम सचमुच अच्छी लड़की हो। तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है। तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। ये दो लड़कियां हैं, ये आपस में बातें कर रही हैं। यहाँ राधिका ने अपने नाम की जगह मैं, मेरा, मुझे शब्दों का प्रयोग किया है। मैं, मेरा, मुझे, ये शब्द उसने प्रयोग किए ना। फिर ऐसे ही विम्मी ने राधिका के नाम की जगह तुम्हारा, तुमसे शब्दों का प्रयोग किया है। विम्मी ने कौन से शब्द प्रयोग किए हैं? तुम्हारा, तुमसे। ठीक है बच्चों? नामों की जगह प्रयोग होने वाले शब्द, यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम नाम की जगह इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों? राधिका अपने भाई का परिचय विम्मी को देती हुई आगे बताती है, मेरा छोटा भाई चेतन है। उसका ध्यान खेलने में अधिक रहता है। वह भी तुमसे मिलना चाहता है। उससे खेल अध्यापक बहुत खुश रहते हैं। ठीक है बच्चों? ये अपने भाई के बारे में बता रही है। राधिका को किसके बारे में बता रही है? अपने भाई के बारे में बता रही है। चलिए बच्चों, यहाँ भी राधिका अपने भाई के नाम की जगह पर वह उसका उससे शब्दों का प्रयोग कर रही है। ये भी सर्वनाम है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम कुछ शब्द इस प्रकार से हैं, जैसे मैं, मेरे, मुझे, मेरा, हम, हमारा, हमारी, हमें, उन, उन्हें, उन्होंने, यह, ये, इसका, जिसने, जिसको, जिसे, वह, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, कुछ, किसी, कोई, किसका, किसने, ये सब क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गए। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब सर्वनाम के एक वचन ये होते हैं और बहुवचन ये हैं। जैसे मैं मतलब मैं अकेली, ठीक है, एक। हम में फिर सब लोग आ जाते हैं, ठीक है। तू तू मतलब एक, तुम और आप, ठीक है। उसे उन्हें, उसे मतलब किसी एक को बोलेंगे हम, और उन्हें हम ज्यादा लोगों को बोलेंगे। किसे किन्हें, इसी प्रकार से ये एक वचन और बहुवचन है। जैसे यह, ये, वह, वे,
मेरा हमारा, किसको किनको, एक वचन बहुवचन। ठीक है, हमने इस पाठ में बच्चों क्या सीखा, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों के दो वचन होते हैं, कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। सर्वनाम को हम इस तरीके से समझाते हैं, सर्वनाम सब नामों की जगह, जो सब नामों की जगह शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे नाम यानी संज्ञा शब्दों की जगह जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, मैं, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, किसका, किसने, कुछ, कोई, किसी, वह, जिसने, जिसको, जिसे आदि। ये क्या हो गया, कुछ सर्वनाम शब्द हो गए। मैंने आपको इसका उदाहरण देती हूँ। उदाहरण में बच्चों ये पांच वाक्य हैं, ठीक है, इन पांचों वाक्यों को हमने नीचे सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्य पूरे किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण है, देखिए, सीता कल गांव जा रही है। कौन गांव जा रहा है, सीता। सीता क्या हो गया, किसी का नाम हो गया। ठीक है, तो दूसरा है, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। तो आपने देखा ना, इसमें बार बार सीता सीता सीता, हर वाक्य में सीता शब्द आ रहा है। तो जब हम सीता शब्द की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसी चीज को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीता की जगह हम किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे नंबर एक, सीता कल गांव जा रही है, तो यहाँ भी यही रहेगा, सीता कल गांव जा रही है। पहले वाक्य में नाम ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा वाक्य हो गया, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, तो सीता की जगह हमने क्या सर्वनाम शब्द प्रयोग किया, उसने, उसने अपना सारा सामान बांध लिया। अब नंबर तीन में आ गया, सीता अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, तो सीता की जगह हमने वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी, ठीक है। नंबर चार आ गया, सीता ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना। सीता ने किसके बारे में सुना, गांव के। तो अब हम इन दोनों को सर्वनाम शब्द लगाएंगे, तो वो क्या है, उसने वहां के बारे में बहुत कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। सीता का कहां जाने का मन था, गांव। तो हमने इसको सर्वनाम शब्दों में परिवर्तित कर दिया कि सीता, उसका बहुत मन था वहां जाने का। तो आपने देखा बच्चों, हम जब बार बार नाम का प्रयोग करते हैं तो उस नाम की जगह हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं। जब हम नामों की जगह किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसी को हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको जो भी गृह कार्य दूंगी अच्छे से करना बच्चों, ठीक है। चलिए ओके बच्चों, बाय बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आपको जो भी काम करवाया है वह आपने अच्छे ढंग से याद करना है। साथ ही साथ एक बात और बता दूं बच्चों, कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो हमें असाइनमेंट टाइमली नहीं भेज रहे, तो बच्चों आप असाइनमेंट टाइम टू टाइम भेजेंगे तभी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सारे के सारे असाइनमेंट हमें टाइमली भेजिए, और साथ ही साथ बुक में से कॉपी में से सब कुछ याद करना है अच्छे से, चैप्टर अंदर से पूरा अच्छी तरह से रीड करना है आपने, ठीक है, उसमें से कुछ भी आ सकता है। चलिए बच्चों, ओके बच्चों।